इस कॉन्क्लेव में आए सभी हमारे बंधु बहनें सभी को मेरा नमस्कार। हम राम जन्मभूमि के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। पहला तो यह है, सारे देश को दुनिया को स्पष्ट होना चाहिए, यह एक मंदिर की लड़ाई नहीं थी। यह देश पिछले 1100, 1200, 1300 वर्षों से बाहर के आने वाले आक्रमणकारियों से लड़ रहा था, वो इतिहास हमको मालूम है। आज़ादी के बाद ऐसा लगता था कि जो आक्रमणकारियों ने यहाँ पर विध्वंस किए उनको फिर से ठीक किया जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से हो नहीं सका। दुनिया का कोई भी समाज बिना स्वाभिमान के, बिना सम्मान के रह नहीं सकता। 1200-1300 वर्षों में भारत ने जो देखा विश्व में अभूतपूर्व दृश्य था। बाहर से आने वाले आक्रमणकारी घोर असहिष्णु थे, एक्सट्रीम इंटॉलरेंट थे। भारतीय संस्कृति अध्यात्म के किसी भी चिन्ह को मिटाने के लिए वे कृत संकल्पित होकर के आए थे, फर्म डिटरमिंड थे। ऐसा वे दुनिया में अनेक स्थानों पर कर भी चुके थे। बार बार उन्होंने भारत के सभी मंदिरों को तोड़ने का संकल्प लिया, तोड़ा। आजादी के बाद ऐसा लगता था वे पुनर्निर्मित हो जाएंगे, लेकिन भारत के हिंदुओं ने उसको उस दृष्टि से निर्माण करने का निर्णय नहीं लिया। अच्छा तो यह होता कि भारत में रहने वाला मुस्लिम समाज स्वयं आगे आता और प्रतीक स्वरूप में कहता कि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ किया था उसके संबंध में हमको प्रायश्चित्त है और प्रतीक स्वरूप हम कुछ आपके महत्वपूर्ण स्थान सौंप देते हैं, तो शायद समन्वय अच्छा होता। बंधुओं, एक बात आप लोग, हम लोग ध्यान में रखें, एक बड़े ख्यातनाम लेखक हो गए दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने संस्कृति के चार अध्याय नाम की एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में वे लिखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का कोई भी प्रयास इस देश में सफल नहीं हो सका। दिल ऐसे फटे कि गहरे फट गए, खाइयां गहरी हो गईं। वे बार बार मंदिर तोड़ते थे, लेकिन कोई बात ऐसी थी जो चुपचाप शांत बैठ करके उसी खंडहर के ऊपर नए मंदिर के निर्माण का संकल्प लेती थी। ऐसा संकल्प ग्रीक के लोग नहीं ले सके, ऐसा संकल्प मेसोपोटामिया के लोग नहीं ले सके, ऐसा संकल्प मिस्र और पर्सिया के लोग भी नहीं ले सके, लेकिन भारत के लोगों के मन में एक संकल्प था कि मौका आएगा हम फिर अपना मंदिर बनाएंगे। और बार बार टूटे हुए खंडहर के ऊपर नया मंदिर बनाते थे। उन आक्रमणकारियों ने यहाँ के समाज की उस भावनाओं को तोड़ने में सफलता नहीं प्राप्त करी जो बार बार टूटे हुए मंदिर के ऊपर मंदिर का संकल्प लेकर के खड़ी रहती थी। इस हिंदू समाज की उदारता के बारे में आर्नोल्ड टाइन भी कुछ कहता है। 1914 या 1915 में जब रसिया ने वारसा को जीता, पोलैंड को, तो वहाँ के कुछ संस्थानों को, चर्च को ध्वस्त कर दिया, नए संस्थान बना दिए। लेकिन जैसे ही वारसा में पोलैंड के लोगों ने अपना कब्जा किया, अपने स्थानों को पुनर्निर्मित किया, आर्नोल्ड टाइन भी कहता है यह भावना भारतीयों में नहीं थी। एक लंबा पैराग्राफ है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। As I have been speaking, some vivid visual memories have been flashing up in mind's eye. One of these mental pictures of the principal square in the Polish city of Warsaw. Sometime in the late 1920s, in the course of the first Russian occupation of Warsaw, 1914-1915, the Russians had built an Eastern Orthodox Christian cathedral on this central spot in the city that had been the capital of the once independent Roman Catholic Christian country Poland. The Russians had done this to give
the Poles a continuous ocular demonstration that the Russians were their masters. After re-establishment of Poland's independence in 1918, the Poles had pulled this cathedral down. The demolition had been completed just before the date of my visit. I don't greatly blame the Polish government for having pulled down that Russian church. The purpose for which the Russians had built it had been not religious but political. And the purpose had also been intentionally offensive. Aurangzeb's purpose in building those three mosques was the same intentionally offensive political purpose that moved the Russians to build their Orthodox cathedral in the city center at the Warsaw. Those mosques were intended to signify that an Islamic government was reigning supreme even or Hinduism's holiest of holy places. I must say that Aurangzeb had a veritable genius for picking out provocative sites. Aurangzeb and Philip II of Spain are a pair. They are incarnations of the gloomy, fanatical vein in the Christian, Muslim, Jewish family of religions. Aurangzeb, poor, wretched, misguided, bad man, spent a lifetime of hard labor in raising massive monuments of his own discredit. Perhaps the Poles were really kinder in destroying the Russians' self-desecrating monument in Warsaw than you have been in sparing Aurangzeb's mosques. Ye unhone Bharat mein bola. Arnold Toynbee ne 1960 mein Delhi ki ek seminar mein ye bhashan diya hai. Aap log Poland ke Warsaw ke logo ki tarah nahi hain, aap adhik udar hain. आप उनको सहन कर रहे हैं बंधुओं ये केवल मंदिर की लड़ाई नहीं थी 1300 1400 वर्षों से समाज लड़ रहा था लेकिन दो बात खास है नंबर एक भारत लड़ता है और जिंदा रहता है ग्रीक मेसोपोटामिया पर्सिया या रोम की तरह समाप्त नहीं हो जाता उसका कारण है हम आध्यात्मिक हैं भारत बिखरता नहीं उसका कारण है हम आध्यात्मिक है हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो सारे डाइवर्सिटीज के बावजूद भी मिलकर के रहता है मान लो 1947 के बाद भारत डिसीजन लेता नहीं ये तोड़ दिया जाए तो उस समय कोई रोकने वाला नहीं था कोई मना भी नहीं कर सकता था लेकिन वो नहीं किया क्योंकि भारत उस प्रकृति का है कि कोई बात हो एक प्रेम से बन जाए लेकिन वो नहीं बन सका और इसलिए एक लंबा बड़ा आंदोलन हुआ जैसा हमारे पूर्व के वक्ता श्रीमान भूपेंद्र जी ने बताया एक लंबी कानूनी लड़ाई हम लोग जीत गए ये ठीक बात है बड़ा आंदोलन चला अयोध्या का लेकिन अयोध्या तो एक सिंबल है ये सिंबल काहे का है ये बड़ा प्रश्न है और दुनिया इस बात को आश्चर्य से देखे और जाने अयोध्या काय का सिंबल है तो हम लोग इस बात को समझे जाने अयोध्या काय का सिंबल है उस बात को मैं आपके सामने रखता हूं अयोध्या मतलब क्या है अयोध्या एक एसिमिलेशन का सेंटर है अयोध्या हजारों हजारों साल से देश की विविधताओं को एक साथ मिलकर चलने का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अयोध्या केवल राम का एक मंदिर राम का एक जन्म स्थान इतना नहीं है भगवान राम के पूर्वजों का केंद्र अयोध्या है इसको हम सब लोग जानते हैं इक्ष्वाकु वंश और सूर्य वंश ये चलता चला आ रहा है एक लंबी परंपरा से हम उतना ही भर जानते हैं देश के लोग हम ये नहीं जानते कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो आदिनाथ हो गए ऋषभ देव हो गए उनका जन्म स्थान अयोध्या है वे अपने आप को भगवान राम के वंश में ही मानते हैं सूर्यवंशी है इक्ष्वाकु वंश से चले आ रहे
जैन धर्म के पांच तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या है, जिसमें ऋषभदेव हैं, अजीतनाथ हैं, अभिनंदन नाथ हैं, सुमंत नाथ हैं, अनंत नाथ हैं। और इन पांचों ही जैन जो तीर्थंकर हैं, इनके जन्म स्थान अयोध्या में है और सब अपने आप को उसी वंश का मानते हैं। महावीर स्वामी ने स्वयं अयोध्या में वहां के राजा को जैन धर्म की दीक्षा दी थी और महावीर स्वामी भी स्वयं अपने आप को उसी वंश का मानते थे। क्या हम लोगों को मालूम है भगवान बुद्ध भी अपने आप को उसी वंश का मानते हैं? भगवान बुद्ध ने अपने 16 वर्ष का चातुर्मास अयोध्या में किया, अर्थात भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास अयोध्या में किया। 16 वर्ष वे लगातार चातुर्मास करने के लिए वहीं आए। एक बड़ा भारी वहां जो पूर्वाराम है उनका था मठ जैसा हम मान सकते हैं, वो वहां स्थापित किया। और पहला किसी राजा को जो दीक्षा देने का काम उन्होंने किया, प्रसेनजीत नाम का राजा था, जो पहला राजा है जो दीक्षा लेकर के बौद्ध मत में आया, वो अयोध्या में ही आया। चीनी यात्री जो फायान और वेनसांग, दोनों ने बौद्ध मत के बड़े केंद्रों का अयोध्या में वर्णन किया है। भगवान राम जिस कुंड के पास बैठ करके दातुन करते थे, ऐसा कहा जाता है, बुद्ध ने भी वहीं दातुन करते करते बाद में अपने दातुन को वहीं गाड़ दिया। वहां पर एक बड़ा वृक्ष उत्पन्न हुआ। वेनसांग फायान इन दोनों ने इस वृक्ष का, और वहां पर जो स्तूप था अशोक के द्वारा स्थापित एक पिलर था, उन सब का वर्णन किया है। अर्थात बौद्ध मत का भी एक बड़ा स्थान यह रहा है। हम सिख मत की ओर, सिख धर्म की ओर देखते हैं, गुरु नानक देव अयोध्या गए थे, एक लंबे समय तक वहां ठहरे। गुरु तेग बहादुर अयोध्या गए थे, वहां वे भी ठहरे। गुरु गोविंद सिंह जब पटना साहिब से वापस आ रहे थे, वे अयोध्या में ठहरे। एक सूर्य कुंड नाम का स्थान है, वहां दो गुरुद्वारे हैं, दोनों गुरुद्वारों में ये तीनों सिख गुरुओं की स्मृतियां वहां पर हैं। निहंग सेना गुरु गोविंद सिंह जी के बाद वहां पर गई थी राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने के लिए, वे सभी लोग शहीद हुए। उन गुरुद्वारों में इन तीनों गुरुओं की स्मृतियां और दो गुरुओं के शस्त्र, निहंगों के शस्त्र वहां पर है। नाथ योगियों का बड़ा केंद्र है। एक समुद्रपाल योगी नाम से वहां राजा हुए। समुद्रपाल योगी के बाद 17 पीढ़ियां योगियों की रही जिन्होंने अयोध्या में राज्य किया। भगवान राम जिस शिव की उपासना करते थे, वो शिव मंदिर अयोध्या में। भगवान राम जिस देवी की उपासना करते थे, वो शाक्त मंदिर अयोध्या में। राम ने जहां पर अपना शरीर पूर्ण किया, वो पवित्र स्थान अयोध्या में। जहां दशरथ ने पुत्र येष्टि यज्ञ किया, पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ होता है, वो अयोध्या में। आप लोगों की जानकारी के लिए, दिल्ली में एक बड़ी विदुषी महिला थी, उनका नाम था सरोज बाला, वे IRS ऑफिसर थी। उन्होंने पुराने साहित्य में जो श्लोक लिखे रहते हैं, भगवान राम का जन्म कब हुआ, भगवान राम के जन्म के लिए दशरथ ने पुत्र येष्टि यज्ञ कब किया, वो रामायण में श्लोक है। भगवान राम का वन गमन कब हुआ, भगवान राम का विवाह कब हुआ, वो तिथियां हैं। वाल्मीकि जी ने उस श्लोक को लिखते समय ये लिखा है, चंद्रमा की स्थिति कैसी है, बृहस्पति की स्थिति कहाँ है, मंगल कहाँ है, बुध कहाँ है, ऐसे श्लोक में लिखते हैं। आज का दिन ऐसा है, ये ग्रहों की स्थिति ऐसी है। सरोज बाला जी ने अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वो तिथियां डाली, उसका प्रेजेंटेशन दिल्ली में बड़े बड़े विद्वानों के बीच में किया। उसके अनुसार ग्रहों के नक्षत्रों की स्थिति वो ही आ गई। आज से लगभग 8-9 हजार वर्ष पूर्व अब ध्यान में आया, उस समय का जो नक्षत्र विज्ञान था, वो तिथियां ऐसे नहीं लिखते थे, नक्षत्र बताते थे आज का पंचांग क्या है, उसके हिसाब से वे श्लोक है। अच्छा, सैकड़ों चित्र सरोज बालाजी ने बनाए हैं। उन्होंने चित्र बनाया पुत्र येष्टि यज्ञ का समय, राम के जन्म का समय, राम के विवाह का समय, राम के अयोध्या
से वन गमन का समय, अयोध्या वापसी का समय, और इस प्रकार से उन्होंने इसका प्रेजेंटेशन किया था। ऐसे सारे तीर्थ अगर हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा अयोध्या में जो हजारों वर्षों में जितने भी मत पंथ संप्रदाय चले हैं उन सब का कोई न कोई स्थान अयोध्या में है। 1901 के लगभग एक एडवर्ड नाम के डीएम थे अयोध्या में, उन्होंने एक सभा बनाई, उसका नाम दिया उन्होंने एडवर्ड तीर्थ विवेचनी सभा 1901। अयोध्या के पूरे क्षेत्र का उन्होंने अध्ययन किया और 148 स्थान निश्चित किए जो अयोध्या में किसी न किसी कारण से आध्यात्मिक या धार्मिक महत्व के थे, 140 स्पॉट्स, और सभी स्थानों पर एक एक बड़ी पत्थर की उन्होंने शिला लगाई। और पहली शिला लगाई इन्होंने रामकोट, राम के जन्म स्थान पर, तीर्थ क्रमांक एक। ऐसा ऐसा लगाते लगाते 148 स्पॉट्स पर उन्होंने भी लगाए थे। 140 स्पॉट ऐसे हैं जिसमें उस समय के देश के सभी संप्रदाय, सभी मत, सभी विचार, उनके आध्यात्मिक लोग वहां कभी न कभी आए हैं, रहे हैं। ऐसा हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा 148 स्थानों का पूरा अगर अध्ययन करेंगे तो उस समय से सारे देश के सभी मत पंथ संप्रदायों का एक कैसा सुंदर केंद्र अयोध्या बन गया था। हो सकता है वैचारिक तो मत भिन्नता रहती है, कुछ लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ शिव की आराधना करते हैं, कुछ वैष्णव की आराधना करते करते बैरागी हो जाते हैं, कुछ शाक्त मत को मानते हैं, कुछ वैदिक होकर के आर्य समाजी हैं, लेकिन अयोध्या सबके मिलन का सुंदर केंद्र बनी। लेकिन यह भी हम जानते हैं अयोध्या किस प्रकार से नष्ट हुई, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा। लेकिन एक छोटी सी बात जो हमारे ध्यान में रहे, 14वीं शताब्दी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने ये नष्ट करता हुआ आगे बढ़ गया, तब अयोध्या के क्षेत्र के राजपूत लोग अयोध्या छोड़ करके चले गए, वो श्याम देश गए। वहां श्याम देश में जाकर के उन्होंने एक नई अयोध्या का निर्माण किया, वहां आज भी उसको अयोध्या करके बोलते हैं स्थान है। वह राज 1315 से 1757 तक वहां चलता रहा। हम लोग ये भी जानते होंगे जो अमीर खुसरो नाम का एक लेखक था जो हिंदी की कविता लिखने में ऐसा माना जाता है वो पहला लेखक है, और इसने फारसी और हिंदी की मिला करके एक शब्दकोश बनाया, कविताएं लिखी, उसका नाम है खालिक बारी। ये अयोध्या में बैठ करके ही लिखी। विल्डुरंट लिखता है ऐसी महान संस्कृति को कैसे नष्ट कर दिया गया, ये दुखद है। विल्डुरंट ने भारत के इस सारे विनाश के वर्णन को अच्छे प्रकार से लिखा है। अब हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है, भारत की दो विशेषताएं हैं, क्रमांक एक भारत आध्यात्मिक है। हम आध्यात्मिक कहते हैं तो लोगों के मन में आता होगा आध्यात्मिक तो और भी कोई देश हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन भारत का अध्यात्म ये मानता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सबके अंदर है, जैसे मेरे अंदर है वैसे ही आपके अंदर है, वैसे ही वृक्षों में है, वैसे ही पक्षियों में है, वैसे जल में है, थल में है, सर्वत्र है, और उसकी अनुभूति करना इसको हम लोग आध्यात्मिक साधना मानते हैं। ज्यो ज्यो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना की ओर बढ़ता है उस व्यक्ति के अंदर का विनम्र भाव, उसके अंदर की सहिष्णुता, उसके अंदर की शालीनता बढ़ती है, अर्थात हम कह सकते हैं आध्यात्मिक भाव उस व्यक्ति के अंदर की समस्त सद्गुणों की वृद्धि करता है। जो ये भाव आ जाता है सामने बैठने वाला शैव है, मैं तो वैष्णव हूं, नहीं नहीं वो शैव है कोई बात नहीं, वो अपनी पद्धति से आराधना करता है करने दो, वो मूर्ति पूजा करता है मैं नहीं करता कोई बात नहीं, उसने वो रास्ता अपनाया है, उसके अंदर का परमेश्वर ऐसा करने के लिए उसको आग्रह निर्देशित करता है। यह आध्यात्मिक भाव सारी विविधताओं में भी कहीं ना कहीं समानता के धागे ढूंढता है,
कितनी भी जो भिन्नताएं हैं उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, इस भाव को ढूंढता है। और करुणा, प्रेम, दया, श्रद्धा, त्याग, समर्पण, मितव्ययी जीवन, जितने सद्गुण हो सकते हैं आध्यात्मिक भाव इनको प्रकट करता है, इनको उत्पन्न करता है, इनको पैदा करता है। अयोध्या ऐसे आध्यात्मिक भाव का केंद्र है। तथा भूपेंद्र जी ने कहा, राम जो है वे धर्मज्ञ है, राम जो है धर्म प्राण है, राम जो है वे धर्म के रक्षक है, वे धर्म के ज्ञाता है, धर्म के व्याख्याता है, वे आदर्श राजा भी हैं, वे आदर्श पुत्र भी हैं, आदर्श भाई भी हैं, आदर्श पति भी है। और इसलिए जब वाल्मीकि जी को कहा कि किसका चरित्र मैं लिखूं, तो व्यास जी बोलते हैं, नहीं, तुम चरित्र लिखो राम का, युग युग तक जो लोगों के मन में कहीं ना कहीं प्रेरणा देता रहे। और कैसा एक विचित्र आश्चर्य हो गया, देश में कोई भाषा ऐसी नहीं है जिस भाषा में रामायण न हो। मलयालम में रामायण है, कन्नड़ में रामायण है, तेलुगु में रामायण है, उड़िया में, बंगला में, असमिया में, मीजो में रामायण है, खासी में रामायण है, बंगला में रामायण है, कार्बी भाषा में रामायण, बोडो भाषा में रामायण। कोई भाषा देश में ऐसी नहीं जिसमें लोगों ने राम के चरित्र को अपने लिए आदर्श मान करके लिखा ना हो, अपने आंखों के सामने रखा ना हो। जो राम को गाली भी देते उनका भी नाम है रामस्वामी पेरियर। जय ललिता जी का नाम है जय राम जय ललिता। उनकी पार्टी के बड़े नेता थे, उनका नाम था एम जी रामचंद्रन। ये सब लोग वो बताए जो राम को नहीं मानते, हम नहीं मानते, तुम नहीं मानते, तुम्हारे पिता मानते थे, तुम्हारे बच्चे मानेंगे आगे। बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, डायलेमा हो सकता है। आंध्र में थे, उनका नाम था एंटी रामाराव। जो लोग कहते दक्षिण में राम नहीं है, लोहिया जी कहते थे राम उत्तर से दक्षिण को जोड़ देता है। राम का यात्रा पथ तो देखो, राम अयोध्या से कैसे 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 जाते हैं, कहां कहां घूमते हैं। राम सबके हैं। और राम कहने के बाद ये जरूरी नहीं है कि अयोध्या का दशरथ का बेटा राम वही राम, नहीं, कबीर का राम अलग है, तुलसी का राम अलग है, सब अलग अलग राम बोल रहे हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा, कैन नॉट बी डिफाइंड एट ऑल। एक ऐसा भी राम है, राम अलग है, राम ऐसा है जिसको गुरु गोविंद सिंह भी कह रहे, राम ऐसा है गुरु नानक भी बोल रहे, राम ऐसा है जिसको रामानंद भी बोल रहे। ये तीनों लोग राम की प्रतिमा नहीं बनाते लेकिन राम बोलते। कबीर राम मंदिर नहीं जाते लेकिन कबीर राम ही राम बोलते। कबीरा कुत्ता राम का, मैं राम का कुत्ता हूं, कबीर साहब बोलते हैं। राम के मंदिर में नहीं जाते। तो राम कैसे देश को जोड़ते हैं ये अपने को ध्यान में आना। अब मैं छोटा दूसरा छोटा सा बिंदु और लेता हूं। राम मनोहर लोहिया जी जो थे वे भगवान में ज्यादा भरोसा नहीं रखते थे, कहते भी थे मेरा भगवान भगवान ईश्वर में कोई भरोसा नहीं। लेकिन बंधुओं, इस देश को एक रखता कौन है? अध्यात्म तो ऐसा है जो अदृश्य है, अध्यात्म दिखता नहीं है, अध्यात्म कहीं ना कहीं भावनाओं में प्रकट होता है। और जो दिखता नहीं उसकी साधना कठिन होती है, जो दिखता है उसकी साधना थोड़ी सरल होती है। सामान्य लोक मत और लोक मन लोक जीवन सरल है, ये कठिन नहीं है, ये गरिष्ठ क्लिष्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें, जटिल बातें। हम उपनिषद का व्याख्यान दें लोगों को समझ नहीं आता, भाग जाते, क्या उपनिषद बता रहे, वेदांत बता रहे, हमको समझ नहीं आता। आप पुराण की कथा बोलिए सब अच्छे से सुनते हैं। राम मनोहर लोहिया बोलते हैं भारत के किसी भी बड़े मंदिर में एक कोने पर आप खड़े हो जाइए, एक घंटे के अंदर सारा हिंदुस्तान आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा।
ये भारत की एकता का प्रतीक है बंधुओं, आसान काम नहीं है। आप रामेश्वरम में एक कोने में खड़े हो जाइए, आप बद्रीनाथ में कोने में खड़े, दोनों के बीच की दूरी 3,500 किलोमीटर है। एक एक घंटा बद्रीनाथ में किनारे पर खड़े हो जाइए, एक घंटा रामेश्वरम में किनारे पर खड़े हो जाइए, मैं पक्का बताता हूं एक घंटे के अंदर यू विल सी होल ऑफ दिस कंट्री। द रिप्रेजेंटेटिव ईच एंड एवरी स्टेट विल बी देयर, वेदर ही इज फ्रॉम कर्नाटक और तमिलनाडु और ही इज फ्रॉम कश्मीर और आसाम और मणिपुर, यू विल फाइंड पर्सन फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेट देयर। द यूनिफाइंग फोर्स, दीज आर द यूनिफाइंग स्पॉट्स। राम मनोहर लोहिया जैसा ऐसा आदमी जो कि ईश्वर में मंदिर में विश्वास नहीं रखते हुए वे कहते हैं कोई बात है इन मंदिरों में जो सारे देश को जोड़ करके रखती है, किसी बड़े मंदिर के कोने पर शांत खड़े हो जाइए, आने वाले लोगों को देखिए, एक घंटे के अंदर सारा हिंदुस्तान आपकी आंख के आगे से निकल जाएगा। राम मनोहर लोहिया बोलते हैं आगे, मैं रामेश्वरम के मंदिर गया दर्शन करने के लिए, मैं ऐसे दौड़ा जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है या बछड़ा अपने गाय के लिए दौड़ता है। रामेश्वरम के मंदिर के दर्शन के लिए मैं ऐसे दौड़ करके गया। इस देश को एक रखा किसने? लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि संविधान देश को एक रख सकता है। अगर संविधान देश को एक रख सकता होता तो यूएसएसआर क्यों टूटा? अगर संविधान देश को एक रख सकता होता, सेना देश को एक रखने में सामर्थ्यवान होती तो यूगोस्लाविया क्यों टूट गया? जेकोस्लोवाकिया क्यों टूट गया? और 25 साल के अंदर पाकिस्तान क्यों टूट गया? हम नहीं टूट पाए, नहीं टूट सकते। तो राम मनोहर लोहिया बोलते हैं इस देश के अंदर जो यूनिफाइंग बॉन्ड है वो अध्यात्म है, वो शिव है, वो राम है, वो कृष्ण है, भारत का अध्यात्म है। और इसलिए अयोध्या का मंदिर, एक मंदिर माने एक नई प्रतिमा खड़ा करना, ऐसा नहीं। वो जैन है, बौद्ध है, शैव है, शाक्त है, सनातनी है, आर्य समाजी है, नाथ योगी है, वैष्णव बैरागी हैं, कोई भी हैं, हजारों हजारों साल से जैसे जैसे पंथ आते गए अयोध्या में उनका केंद्र बनता चला गया। अयोध्या वाज़ द यूनिफाइंग फोर्स, अयोध्या एकात्म बोध कराने वाली ताकत का नाम था। भारत ने ऐसे स्थान डेवलप किए थे, इवॉल्व किए थे, क्योंकि भाषा की विविधता थी, बोलियां भिन्न थीं, खान पान अलग था, सोचने के तरीके अलग थे, साहित्य अलग थे, पहनावे अलग थे, राज्य अलग थे, राजा अलग थे, सेना अलग थी, लेकिन भारत नाम का राष्ट्र, राष्ट्र का तत्व एक था। इसको एक बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें तीर्थों का विकास था, भिन्न भिन्न प्रकार के तीर्थ। आप एक बार कुंभ में खड़े हो जाइए, लोहिया जी बोल रहे मंदिर का, आप गंगा में देखिए ना, वो गरीब है, वो अमीर है, वो तमिल भाषी है, तेलुगु भाषी है या हिंदी भाषी है, वो इंडस्ट्री का बड़ा मालिक है, उसका कोई मजदूर है, वो बड़ा मंत्री है या कोई छोटा कर्मचारी है, उत्तर का है, दक्षिण का है, गंगा के जल में खड़ा होता है। गंगा इज द यूनिफाइंग फोर्स, गंगा देश को एक बना करके रखती है। जैसे गंगा एक बना के रखती है, हमारा रामेश्वरम एक बना के रखता है, हमारा केदार बद्री एक बना के रखता है, हमारी अयोध्या एक बना के रखती है। अयोध्या का मतलब ये नहीं है कि एक नया मंदिर खड़ा कर देंगे हम लोग या मंदिरों की बड़ी कमी है, ऐसा नहीं है। हमारे जो सनातन ऐसे क्षेत्र हैं जो अध्यात्म का विकास करेंगे, आध्यात्मिक भावनाओं को लाएंगे और साथ ही साथ देश को एक रखेंगे। आज दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ तो रही है, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में अधिक से अधिक संपत्ति का अर्जन है, अधिक से अधिक अपने सुख सुविधाओं का एकत्रीकरण है, वह अध्यात्म नहीं है। भारत एक ऐसा ऐसा स्थान है जहां इन दोनों बातों का एक अच्छा सिंथेसिस है, वर्ल्डली नॉलेज भी है लेकिन स्पिरिचुअल विजडम भी है। हम जो लौकिक संसार है इसकी उपेक्षा नहीं करते, राम ने उपेक्षा नहीं करी। राम के अयोध्या में सबको सब सुख था,
लेकिन राम के अयोध्या में कोई किसी से बैर नहीं करता। बैरुन कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो राम का जो प्रताप है क्या आध्यात्मिक है? क्या हम ऐसी अयोध्या की फिर से कल्पना कर सकते हैं जो अयोध्या देश के नहीं दुनिया के सारे मतों को, सारे संप्रदायों को, सारे विचारों को एक स्थान पर ला करके कहे, नहीं संपूर्ण सृष्टि एक है, मानवता एक है, जीव जगत एक है, सब एक होकर के आगे बढ़ो, सब सभी के दुखों के निवारण के लिए आगे बढ़ो। यही भारत का अध्यात्म कहता है। भारत की अयोध्या सनातन उस दर्शन का, प्रेरणा का स्रोत है जिसको राम नाम के व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने, उस जगत पिता परमात्मा ने, जो उसको जैसा जैसा माने, उसने इस सारी दुनिया में आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। वही अयोध्या हमारे लिए अभीष्ट है, एक मंदिर मात्र नहीं। और इसलिए अयोध्या आगे बढ़ेगी, इसका विकास होगा, अयोध्या ऐसी होगी सारे विश्व को एक नई दिशा देने वाली, इस वर्ल्ड ऑर्डर में अध्यात्म का ठीक प्रकार से प्रवेश कराने वाली। वर्ल्डली नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम, इन दोनों का उचित संश्लेषण हो जाए, एक अच्छी सिंथेसिस हो जाए, मैं समझता हूँ यही अयोध्या हम सबको अभीष्ट है। नमस्कार।